टीजिंग पे था, यानी छेड़खानी, और ये हर रोज होता है और ये सबके साथ होता है, सब लोग देखते हैं और निकल जाते हैं। कार्यक्रम है इप्टा का स्थापना दिवस, 25 मई को इप्टा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हम आवाज उठा सकते हैं, और अगर हमें आवाज उठानी भी चाहिए, अगर आपके पास सॉल्यूशन है, हमने कानून के भी नियम बताए, अपना जन जन गीतों के साथ सड़क पे उतरे, अपना रंग यात्रा निकाले, कला होती है जो ओवर स्मार्ट होती है, वो सोचती है कि मैं उसको यूज करके मैं उसको फंसा दूं, के साथ रास्ता चलते छेड़खानी सब होती है। ये इस नुक्कड़ नाटक जो हुआ है ये टीची फील करेंगी, तो प्लीज ये रिक्वेस्ट है लड़कियों से जो ऐसे चीजें करती है कि आप ये ना करें। और अगर सही में हो रहा है, इससे क्या होता है ना कि जो लड़कियां जो सही में विक्टिम है वो भी आवाज नहीं उठा पाती है, कोई बिलीव ही नहीं करेगा उन पे कि लड़की को। तो इप्टा के स्थापना दिवस के अवसर पर सिवान इप्टा की टीम ने इसे जन संस्कृति दिवस के रूप में मनाया, जिसमें कलाकारों द्वारा जनगीत, रंग यात्रा और नुक्कड़ नाटक किया गया। रंग यात्रा VMHE कॉलेज होते हुए JP चौक पर पहुंचा, जहां नुक्कड़ नाटक के साथ यात्रा गांधी मैदान पहुंचा, जहां नुक्कड़ नाटक के साथ समापन हो गया। इप्टा की टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समाज में महिलाओं और लड़कियों के साथ हो रहे छेड़खानी को लेकर नाटक प्रस्तुत किया। टीम ने नाटक और गीत के द्वारा लोगों को जागरूक किया। नुक्कड़ नाटक देखने के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये जंगे इंकलाब है, ये जंगे इंकलाब है, आसमान का अपनी ओर से ये कार्यक्रम दे रहा है और एक नुक्कड़ दे रहा है महिलाओं के ऊपर, महिलाओं के समस्याओं के ऊपर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है नहीं रहेंगे, बोल खिलाफ आजाद तेरे, बोल खिलाफ आजाद तेरे, बोल खिलाफ
तेरी है, तेरा सुखवा जिसमें तेरा, तेरा सुखवा जिसमें तेरा, बोल पिता आप तक तेरी है, बोल पिता आप तक तेरी है, बेटियां अंदर की दुकान में, बेटियां अंदर की दुकान में, टुंडे छोले सुर के आहन, टुंडे छोले सुर के आहन, फुले लगे फूलों की दुकान में, फैला हरे जंजीर का दामन, फैला हरे जंजीर का दामन, बोल की थोड़ा वक्त बहुत है, बोल की थोड़ा वक्त बहुत है, बोल की सब जिंदा है अब तक, बोल की कुछ कहना है पहले, बोल की कुछ कहना है पहले, बोल की ना बाजार है तेरे, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, बात बोलोगी जय आज का जो कार्यक्रम है इप्टा का स्थापना दिवस 25 मई को इप्टा का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि सचिव ने बताया हम लोग 79 ईयर्स पूरा कर रहे हैं आज, और इस उपलक्ष में इस दिन को पूरे भारत में जन संस्कृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें हम लोग अपना जन गीतों के साथ सड़क पर उतरे हैं, अपना रंग यात्रा निकाले, कलाकारों की रंग यात्रा जन गीतों के साथ, नुक्कड़ नाटक के साथ हम लोग यहाँ किए थे, यहाँ से गांधी मैदान, और ये पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। एक तरह का संदेश है इप्टा के माध्यम से, हम लोग जन जन तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि ये जो हम लोग धीरे धीरे जो आपसी भाईचारा ये सब खत्म हो रहा, सद्भावना इसको हम जगाए रखें, इसलिए हम लोग अपने गीतों के माध्यम से, नाटकों के माध्यम से इसको हम लोग जिंदा रखना चाहते हैं। नुक्कड़ नाटक अभी किया गया है, क्या मैसेज दिया गया है ये नुक्कड़ नाटक? अभी आप लोग देख रहे होंगे ना कि लड़कियों के साथ रास्ता चलते छेड़खानी सब होती है, ये इस नुक्कड़ नाटक जो हुआ है ये टीचिंग माने लड़कियों का कि किस तरह लड़कियां आजकल ये होती है, उत्प्रेरित होती है, उसके इसमें दिखाया गया है। और इसका सोल्यूशन भी बताया गया कि IPC धारा के तहत हम लोग चाहे तो, जो कि लड़कियां संकोच में करती नहीं, लेकिन हमने अपने मंच से एक मैसेज दिया कि आप इसके विरुद्ध खड़े होइए, सिर्फ लड़के ही नहीं, जो लड़के भी हैं तो इसके विरुद्ध खड़े हो और लड़कियों को न्याय मिलना चाहिए। जी देखिए, आज जो हमने ये प्रस्तुत किया नाटक, ये बेसिकली ईव टीजिंग पर था, यानी छेड़खानी, और ये हर रोज़ होता है और ये सबके साथ होता है, सब लोग देखते हैं और निकल जाते हैं देख के। तो हमारा मेन नाटक करने का यही उद्देश्य था कि जो लोग अगर आप देख भी रहे हैं कि कोई छेड़ रहा है, तो आप जाके उसके अगेंस्ट से बोले कि ये जो है वो रॉन्ग है। और लड़कियाँ जो डरती हैं कि हमें सहके निकल जाना, क्यों सहें, हम आवाज़ उठा सकते हैं, और अगर हमें आवाज़ उठानी भी चाहिए अगर आपके पास सॉल्यूशन है, हमने कानून के भी नियम बताए हैं जिसके अंतर्गत में आप जाके जो है आप केस कर सकते हैं, आप अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कीजिए। तो हमारा मेन जो मोटिव था नाटक करने का वो लोगों को जागरूक करना है ईव टीजिंग के अगेंस्ट में। खास तौर पर देखा जाए तो जो लड़कियां या महिलाएं होती हैं वो किसी को कंप्लेन करने में ये शर्म महसूस करती है, तो क्या लगता है कि लड़कियों को किस तरह से समाज में? देखिए, सबसे मेरे ख्याल से मेन जो रीज़न है ये शर्मिंदगी महसूस करने में, वो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस चीज़ को लाने में। तो ये मेरा ये है कि जो समाज के जो लोग हैं, जो फैमिली में आपके जो लोग हैं लड़कियों की फैमिली में, पहले तो वो फ्री हो जाए कि इसमें कोई भी लड़की कोई भी गलती नहीं है, जो लड़के छेड़ते हैं उनकी गलती है सिर्फ और सिर्फ, इसमें कोई लड़की की गलती नहीं है। तो फैमिली को बहुत जरूरी है अवेयर करना कि फैमिली जो अपने बच्चों को लेकर अवेयर हो, अगर बच्ची कुछ कह रही है तो आप उसकी बात सुने और उस पर बिलीव करें। हमेशा गलतियाँ लड़के भी होती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लड़के होते हैं वही छेड़ते हैं और उन्हें पता नहीं क्या फेजर में होता है। तो ये मेरा ये मोटिव है कि जो फैमिलीज हैं लड़कियों की, लड़कों की भी खास तौर पे, वो जो अपने बच्चों को लेकर अवेयर रहे और वो कुछ कह रहे हैं तो उसे सुने। एक अंतिम सवाल आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि समाज में अगर अभी की बात करें तो एक नया परसेप्शन बन गया है कि अगर लड़के अगर लड़कियों से थोड़ी सी अगर कुछ बकझक होती है तो लड़कियाँ छेड़खानी के आरोप लगाती थी, कई ऐसे मामले आए होंगे, क्या लगता है इस तरह से समाज में एक अलग मैसेज? जी बिल्कुल, ये आपने बहुत सही सवाल पूछा है, क्योंकि देखिए जनरली मिसयूज़ होता है जो भी रूल्स बनाए गए हैं कानून के, तो जो लड़कियां जो होती हैं जो ओवर स्मार्ट होती हैं वो सोचती हैं कि मैं उसको यूज़ करके मैं उसको फंसा दूंगी। तो ये वो लड़कियों के लिए भी है कि आपके भी भाई हैं आपके भी घर में, आप उनको भी देख लें एक बार, और भी कोई बार फंसा सकता है आपके भाई को भी, तो आप उसको एक बार इमेजिन करके देखें कि अगर ये सेम चीज़ होता आपके भाई के साथ तो आप क्या फील करेंगी। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है लड़कियों से जो ऐसे चीज़ें करती हैं कि आप ये ना करें, और अगर सही में हो रहा है, इससे क्या होता है ना कि जो लड़कियाँ जो सही में विक्टिम है वो भी आवाज़ नहीं उठा पाती है, कोई बिलीव ही नहीं करेगा उन पर कि लड़की को तो काम ही है झूठ बोल के वो निकल जाती हैं। तो इसलिए वो लड़कियों से भी गुजारिश है कि आप प्लीज़ झूठे कंप्लेंस ना करें, और अगर सच में हो रहा है उसके अगेंस्ट जो है वो आप आवाज़ उठाएं। थैंक यू। सौम्या सलोनी।